यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में, स्कूल के बीच में और एम्प्लॉय टीचर के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। अब स्कूल भले उनको गोल्ड रिंग दे दे, बाइक दे दे, फर्नीचर दे दे, कार दे दे, या फिर कैश में 50,000 रुपीज दे दे, मैटर वो नहीं है। आपको इनकम किस तरह से हो रही है, काइंड में मिल रही है या फिर कैश में मिल रही है। देखो मैंने पहले भी बोला था, इनकम कैश में हो या काइंड में हो, अगर आप बेसिक्स के नोट्स खोल करके देखोगे, पहला वाला चैप्टर जब हमने स्टडी किया था तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इनकम किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। फिर तो बात बन जाएगी, सभी लोग काइंड में पेमेंट कर देंगे, कोई चीजें दे देंगे और सब लोग टैक्स से छुटकारा पा लेंगे। ऐसा नहीं होता, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्म में आप इनकम ले लो, वो इनकम कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि टीचर जो भी इमोलूमेंट्स रिसीव कर रहे हैं इन काइंड में, वो एज अ सैलरी बोल के ही टैक्सेबल हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, अ टीचर ऑफ अ कॉलेज रिसीव्स अ फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग आंसर शीट्स। आंसर शीट्स मतलब आंसर शीट, जैसे कि कुछ पेपर्स हो गए है ना, यूनिवर्सिटी के पेपर्स हो गए जिसमें बच्चों ने लिखा, वो पेपर्स अब टीचर को चेक करना पड़ता है, टीचर ही चेक करता है ना। तो जो टीचर चेक कर रहा है पेपर यूनिवर्सिटी के, तो वो जो उसके लिए पेमेंट मिल रहा है उसको पेपर चेक करने के लिए, क्या वो पेमेंट एज अ सैलरी बोल के टैक्सेबल होगा? मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। नहीं, क्यों नहीं? अपॉइंट किया है उसे पेपर चेक करने के लिए, किसने अपॉइंट किया? एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई? कॉलेज कॉलेज में एम्प्लॉई नहीं है। ने, यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किया है कॉलेज के पेपर चेक करने के लिए। अच्छा, तो देखो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मेरा आंसर क्या है, देखो जो टीचर है ना, ये टीचर जो है वो तो एम्प्लॉय है, ये तो बात सच है, लेकिन वो एम्प्लॉय किसका है, कॉलेज का है और यूनिवर्सिटी का है, किसका एम्प्लॉयर है बोलो? ये टीचर का, टीचर जो एम्प्लॉय है, टीचर जो है वो कॉलेज का एम्प्लॉय है या यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है? कॉलेज का कॉलेज का एम्प्लॉय, मतलब इसका एम्प्लॉयर कौन है? एक कॉलेज एम्प्लॉयर है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। अच्छा, ये टीचर के बीच और यूनिवर्सिटी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, बोलो इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। नहीं है, नो। इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो इससे मिलने वाला पेमेंट इसको एज अ सैलरी बोल के टैक्सेबल नहीं होगा। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एज अ सैलरी। आया समझ में? तो देखो, नो, एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। कॉलेज टीचर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी। सच रिसिप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? यस अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट, अ पेमेंट मेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे एमपी बोला जाता है, एमपी जिसे सांसद भी बोला जाता है हिंदी में, मराठी में इसे खासदार बोलते हैं, है ना? सांसद बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोला जाता है, मराठी में खासदार बोला जाता है। नो, अब ये जो पेमेंट है ना, ये तुम लोगों को पता है क्या, ये एमपी लोगों को बहुत बड़ा पेमेंट मिलता है पार्लियामेंट से। अब पेमेंट मेड टू द, भ्रष्टाचार तो वो तो अलग हो गया है ना, वो जो है ना, जो भी मतलब घोटाला करते वो तो अलग हो गया, वो तो करोड़ों में कमाते, वो तो छोड़ दो, लेकिन इन लोगों को भी पार्लियामेंट की तरफ से, खासदार हो या आमदार हो, एमएलए हो, एमएलए का मतलब होता है आमदार,
हिंदी में उसे विधायक बोलते हैं, ना विधायक, राइट, सांसद विधायक, आमदार खासदार, एमएलए एमपी, ऐसे नाम होते हैं उनके। तो ये पेमेंट मेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये वहां पे जाके चिल्लाने के लिए ये लोगों को बहुत बड़ी पेमेंट मिलती है, पता है क्या? तो इन लोगों को जो भी पेमेंट मिला, नो एज ए एम, ये जो पेमेंट मिलता है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा ये बोल रहे। तो यहाँ पे बोला ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप डज नॉट एक्सेप्ट, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में और इन मेंबर में, है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेशल दर्जा है उनका, ये कौन है, ये मेंबर्स है, नाम में भी, नाम में ही क्या आ गया उनके, मेंबर आ गया, मेंबर है, परमानेंट सी कोई नहीं, कुछ नहीं होती वहां पे, तो ये मेंबर है, तो मेंबर एम्प्लॉय नहीं हो सकता, है ना, नाम ही मेंबर है उसका, है ना, तो मेंबर कोई भी सदस्य बोलते हैं जिसको, सदस्य कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से ये वाली जो पेमेंट उनको मिलती है वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर देखो, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, है ना, मेंबर्स है वो चुन के दिए हुए। तो पेमेंट रिसीव्ड बाय देम शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड, शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो उनकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी, वो उनकी सैलरी की इनकम नहीं मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ सैलरी, ऊपर का सब पॉइंट हो गया। अब हम ये मान के चल रहे कि हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप में है। अब आगे से जो डिस्कशन होगा वो इसी एजम्पशन पे होगा कि जो मिलने वाला है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में मिल रहा है। तो सैलरी किसे बोला जाएगा? तो यहाँ पे सेक्शन 17(1), है ना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन दिया, और यहाँ पे सैलरी इंक्लूड्स बोला है, यहाँ पे सैलरी मींस नहीं बोला। जब भी किसी डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड आता है तो वो डेफिनेशन कैसी रहती है? वो डेफिनेशन ओपन एंडेड डेफिनेशन बोलते हैं उसको, ओपन एंडेड डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन ओपन है, सिर्फ आय पॉइंट पे ये डेफिनेशन खत्म होती है क्या? नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आय पॉइंट्स दिए, मतलब ए से लेकर के आय पे पॉइंट्स दिए, आगे भी पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? जी हाँ हो सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम नहीं डिस्कस कर सकते, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इतने पॉइंट्स दिए। ओपन एंडेड डेफिनेशन का मतलब क्या है? ये डेफिनेशन कभी खत्म होने वाली नहीं है, है ना, क्योंकि लॉ में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बंदा कोई दूसरा पेमेंट रिसीव कर लेगा, अगर यहाँ पे इंक्लूड्स की बजाय मींस दिया होता, अब ये लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक लॉ है, अगर लॉ में मींस ये वर्ड आ जाता है तो उसका जो उस डेफिनेशन का जो सीमा होता है वो मींस तक ही सीमित रहता है। समझने की कोशिश करो, मैंने मींस दिया मतलब क्या, बता दिया कि भाई सैलरी का मतलब ये होता है, और किसी ने अगर कोई नया पॉइंट तरीका ढूंढ लिया पेमेंट रिसीव करने का और बोला कि आपने तो डेफिनेशन में दिया ही नहीं था, आपने तो सैलरी मींस का मतलब तो ये आय तक के पॉइंट ही दिए थे, है ना, आय तक के ही पॉइंट दिए थे, तो अगर आय तक के पॉइंट तक मेरा मतलब, मैं आय तक के पॉइंट में नहीं बैठता, मैं दूसरी, है ना, दूसरा पॉइंट है मेरा, या फिर मैं किसी और तरीके से पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, तो वो छूट जाएगा, उसको हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो कभी भी ध्यान दो इनकम टैक्स में ये इंक्लूड्स वर्ड डालने के पीछे पॉइंट क्या होता है, इंक्लूड्स वर्ड डालने के पीछे पॉइंट होता है कि इस डेफिनेशन का कोई अंत नहीं है, आगे भी पॉइंट्स आएंगे, कोई बच नहीं सकता, है ना। अरे कोई भी चीज मतलब क्या होता है पता है क्या, ये इंक्लूड्स वर्ड डालने का मतलब क्या होता है, पेमेंट सैलरी पेमेंट है, मान लीजिए सैलरी, आपको पता चलता है कि सैलरी को सैलरी बोलते हैं, अगर मैं इसे सैलरी ना बोलूं और मैं इसे अगर कोई दूसरा नाम दे दूं, मान लो यहाँ पे मैं हफ्ता बोल दूं इसे, है ना, इंस्टॉलमेंट बोल दूं, इंस्टॉलमेंट बोल दूं, रिलेशनशिप क्या है हमारा, रिलेशनशिप तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, लेकिन मैंने इसे सैलरी नाम नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट बोल दिया, तो लोग क्या करते हैं, अच्छा डेफिनेशन में है क्या इधर कुछ इंस्टॉलमेंट, देख लो एक बार, नहीं तो क्या इंस्टॉलमेंट
यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा? इंस्टॉलमेंट टैक्सेबल नहीं होगा क्या? मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं, सैलरी की वजह में इंस्टॉलमेंट नाम बोल रहा हूं। तो इंस्टॉलमेंट नाम नाम चेंज करने की वजह से क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, बराबर है ना। मान लीजिए किसी का नाम राज है ना, किसी का नाम राज है, उसको पता है राज नाम है। अब मैं राज नाम नहीं बोल रहा, किसी और को जाके मैं बोल रहा हूं मेरा नाम विजय है, विजय। तो बंदा तो एक ही है ना, काम तो एक ही है। आप सैलरी नाम से दे दो या फिर इंस्टॉलमेंट नाम से दे दो, देखना क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है क्या? अच्छा, इंस्टॉलमेंट डेफिनेशन में नहीं है, यहाँ पे डेफिनेशन में इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो क्या हम इसे सैलरी में टैक्सेबल नहीं करेंगे? तो करेंगे। किस वर्ड की वजह से करेंगे? ये इंक्लूड्स वाले वर्ड की वजह से करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन खत्म होने वाली नहीं है। अगर कोई बंदा इस डेफिनेशन का सहारा लेके लॉ में लूप होल ढूंढ के भागने की कोशिश कर रहा है या फिर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे चल के आय के बाद में जे वाला पॉइंट आ सकता है कि इंस्टॉलमेंट को भी सैलरी बोला जाएगा। आया समझ में? ये इनपुट्स डालने का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में? यस, राइट। हाँ, तो छोड़ दो ये सब बातें, छोड़ दो, सिर्फ ये जान लो कि इंक्लूड्स का मतलब होता है कि ये डेफिनेशन ओपन एंडेड है। किसी और नाम से आप वही पेमेंट कर रहे हो, सैलरी के जैसा ही पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी अंडर द हेड सैलरी में ही टैक्सेबल होने वाला है। जब भी लॉ में मींस ये वर्ड आता है, तो वो डेफिनेशन वहां तक ही सीमित होती है, वो डेफिनेशन ओपन एंडेड नहीं होती, क्योंकि मीन्स का मतलब होता है जितना दिया उतना ही। सिंपली मैं इसे शॉर्टकट में बोलूं, मीन्स ये वर्ड आ गया तो आपको जितना लॉ में दिया, जितना दिया है डेफिनेशन में, जितना दिया बस उतना का। और अगर इंक्लूड्स ये वर्ड आता है, तो जितना दिया वो तो है ही है, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से जो दिया है उससे हटके कुछ कर दे और वहां से छुटकारा पा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड आ गया है। इंक्लूड्स का मतलब होता है इस डेफिनेशन का कोई भी अंत नहीं है, ये डेफिनेशन और भी आगे लंबी हो सकती है। तो ये इंस्टॉलमेंट लेने वाले बंदे को यहाँ पे सिंपली बोला जाएगा कि बेटा सैलरी के डेफिनेशन में इंक्लूड्स है, मींस नहीं दिया है। तूने भले ही यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं दिया होगा, फिर भी ये इंस्टॉलमेंट एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी का रिलेशनशिप साबित होने के बाद यहीं पे मतलब सैलरी में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा? यस में जवाब दीजिए। यस। अब आगे चल के मैं इंक्लूड्स और मीन्स को कभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, राइट। एक बार करूंगा जब कैपिटल एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पे मीन्स और इंक्लूड्स आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मैं वहां पे इंक्लूड्स वर्ड क्यों रखा गया और मीन्स वर्ड क्यों नहीं रखा गया। मीन्स वर्ड डालते तो क्या हो जाता, और अगर इंक्लूड्स वर्ड डालते तो क्या हो जाता, इन दोनों की बात हम करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि सैलरी को हम, अगर कोई बंदा वेजेस दे रहा है तो उसे भी सैलरी बोला जाएगा, भले ही नाम चेंज है, भले ही हमारे हेड का नाम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन वेजेस का नेचर कैसा है, वैसा ही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का, है ना। किसको दिया जाता है? लेबर्स को वेजेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है लेबर में, लेबर को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, तो वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई ये जो मिलने वाले वेजेस है वो सैलरी में ही टैक्सेबल होते हैं। मतलब कोई बंदे को वेजेस मिल रहा है और वो वेजेस अगर उसकी इनकम को हमें कैटेगराइज करना है, हाँ, हालांकि वेजेस के ऊपर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो बहुत कम होती है। किसी बंदे की वेजेस अगर 2.5 लाख से आगे चली जाएगी तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक एग्जम्पशन के आगे किसी का भी इनकम जाने के बाद उनको टैक्स देना पड़ता है। एनी एन्यूटी और पेंशन, आपको एन्यूटी मिल रही है मतलब साल में एक बार मिल रहा है पेमेंट, या फिर पेंशन मिल रहा है,
कहां से मिल रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। जो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी दी जाती है, ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जिसे हम पढ़ने वाले आगे चलते, कोई भी फीस मिल रही हो, कमीशन, कमीशन किसको, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, एजेंट वाला कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशन में जो कमीशन मिलता है। अब तुम बोलोगे कि सर एम्प्लॉयी को कब कमीशन मिलता है, मिल सकता है भाई, ज्यादा काम करोगे तो कमीशन दिया जाएगा, या फिर अच्छे कस्टमर ढूंढ के लाओगे तो कमीशन दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, है ना। तो हो ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी कमीशन हो सकता है, एजेंट वाला कमीशन नहीं, एजेंट वाला कमीशन यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता है, हमने ऊपर ही देखा। परक्विजिट्स जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, है ना। तो ये वाले पार्ट जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सैलरी में टैक्सेबल है। एडवांस सैलरी, अगर आपको सैलरी एडवांस में भी मिला तो भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, मतलब अभी काम शुरू नहीं हुआ है, एडवांस मिल गया आपको। जनरली एडवांस कहाँ देखो, खेती में एडवांस दिया जाता है, पता है क्या, उसे उचल बोलते हैं। देखो सुना है क्या कभी? Yes. नहीं, एडवांस में देना पड़ता है किसी किसी प्रोफेशन में, है ना, किसी किसी प्रोफेशन में या फिर किसी किसी बिजनेस में एडवांस में सैलरी पे करना पड़ता है उसको अपॉइंट करने के लिए। ये एडवांस में भी सैलरी दिया तो भी सैलरी में टैक्सेबल हो जाए। एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड और लीव नॉट अवेल्ड बाय द एसएससी, ये अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। पोर्शन ऑफ द एनुअल accretion in the previous year to the balance at the credit छोड़ दो, ये वाला भी point अपन बाद में discuss करेंगे। Transferred balance in the recognizer, provident fund में जो भी पैसा है वो भी as a salary में ही taxable होगा। और contribution made by the employer, employer ने आपके provident fund में जो भी पैसा दिया है, जो contribute कर रहा है वो भी taxable होगा as a salary में। ये सभी points जो भी आपको समझ में नहीं आएंगे वो सभी points हम detail में आगे check कर जो भी है डिस्कस करने वाले, क्योंकि वो आगे वाले पॉइंट्स में आने वाले हैं, उनके लिए सेपरेट सेपरेट पॉइंट है। अब यहाँ पे जनरल पॉइंट्स में क्या बोला, देखो जनरल पॉइंट्स में बोला है सैलरी एंड वेजेस आर आइडेंटिकल इन द इनकम टैक्स। आप नाम कुछ भी रख लो, सैलरी बोल दो, वेजेस बोल दो, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें किस से लेना देना है, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप है तो बात ही खत्म हो गई। हम यहाँ पे इसको आप चाहे सैलरी बोल दो, वेजेस बोल दो, या फिर इंस्टॉलमेंट बोल दो, या फिर हफ्ता बोल दो, कोई हमें मैटर ही नहीं करता है। रिलेशनशिप देखेंगे हम दोनों के बीच का, और देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया तो हम उसे सैलरी में ही टैक्सेबल करेंगे। वॉलंटरी पेमेंट, वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से पेमेंट दिया, दिस एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अब एम्प्लॉयर ने खुश होके आपको पेमेंट दिया, आपके ऊपर बहुत खुश है, उसने अपने मन से आपको 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, क्यों खुश है, आपके काम से खुश है ना, बहुत अच्छा काम किया आपने, और बोला एम्प्लॉयर कि जा ये तेरे को मैं 5 लाख देता हूँ, खुश हो, अपनी फैमिली को लेके कहीं घूमने चला जा, है ना, शिमला मनाली चला जा, बहुत ही धूप चल रही है यहाँ पे, जा मैं तेरे के ऊपर बहुत खुश हूँ। तो ये 5 लाख भी होगा, उसने भले मन से दिया होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था देने का, कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मैं तेरे को 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दूंगा, ये था, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला तो टैक्सेबल होगा, ये वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा, भले उसने मन से दिया हो, भले वो उसकी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है, फिर भी दे रहा है ना, जैसे कि बोनस होता है देखो, दे रहा है, तो ये वाला 5 लाख भी यहाँ पे मिक्स किया जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है क्या? यस, पॉइंट क्लियर है। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी, चलो। नहीं सर, क्लियर नहीं है, एक आज एक सांग सर। अरे भाई देख, तू काम करता है किसी कंपनी में, बराबर, किसी कंपनी में काम कर रहा है, मतलब तेरे बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, कंपनी और तेरे बीच का रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, राइट, यस और नो? Yes. अब तय क्या हुआ है कि तेरे को कंपनी तेरे को कितनी सैलरी देगी हर महीना, मान लो कंपनी तेरे को हर महीना 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देगी,
अच्छा ये सैलरी तेरे को मिलती है क्या? मिलती है, लेकिन कंपनी तेरे ऊपर बहुत खुश है, तेरे ऊपर बहुत, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तेरे को कितनी सैलरी देना पड़ता कंपनी को? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना बोला उतना देना पड़ेगा ना। यस हाँ, तूने काम किया तो कंपनी को 50,000 रुपीज देना ही पड़ेगा, क्योंकि तू काम कर रहा है, ऐसा तय हो चुका है 50,000 सैलरी। ऐसा ही होता है ना, जॉब आप कहाँ पे करते हो? जॉब में डिसाइडेड होता है ना आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ऐसा होता है क्या कि आपको बोला 50 और दिया सिर्फ 10,000? ऐसा होता है क्या? करोगे क्या आप काम वहां पे? नहीं नहीं करोगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डिसाइडेड है सब चीजें, तू मेरे लिए इतना काम करेगा, मैं तेरे को इतनी सैलरी दूंगा। ये तो मिल ही रहा है, लेकिन कंपनी तेरे ऊपर बहुत खुश है ना? कंपनी तेरे ऊपर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तू काम अच्छा कर रहा है। तो कंपनी ने ये पेमेंट तो दिया ही दिया, लेकिन और एक 5 लाख रुपए का चेक भी दे कि जा बोला तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये 5 लाख मैं तेरे को दे देता हूँ, और एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए दे दिया आपके काम पे खुश होके। तो ये 5 लाख वाला पेमेंट जो आपको मिला, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, मतलब ये कंपलसरी था क्या कंपनी को देने के लिए 5 लाख? नहीं वो तो कंपलसरी नहीं है, मर्जी है कंपनी की। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से, है ना, ऐच्छिक बोला जाता है उसे। तो ये 5 लाख भी आपके इस 50,000, मतलब ये 50,000 रुपये पर मंथ, मतलब साल का कितना हो गया? ये 6 लाख हो गया, है ना। तो ये 6 लाख में ये 5 लाख हम मिक्स कर देंगे और दोनों के ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स लेंगे, और दोनों भी इनकम टैक्स में, सॉरी, अंडर द हेड सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। आया समझ में आप? यस शिवम, आया समझ में? सर आवाज आ रही है मेरी? ठीक, सर आगे चलते। रेमुनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, आपने जो भी एक्स्ट्रा काम किया, मान लो कंपनी में एक्स्ट्रा काम करने की वजह से ओवर टाइम दिया जाता है ना। आपकी मान लो ड्यूटी का आवर्स डिसाइडेड है, आपने 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करना है, बस 5 बजे के आप अपने घर जा सकते हो, लेकिन है ना, इसके लिए आपको 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जॉब करते हो, उसके लिए आपको मान लीजिए 20,000 रुपीज सैलरी मिलता है। 5 बजे के बाद रुकने की जरूरत नहीं है, भले कितना भी काम बचा हुआ हो या फिर कितना भी काम बाकी हो, लेकिन मान लो आपने 5 बजने के बाद भी काम किया, सिर्फ 3 घंटा काम किया, 3 आवर्स, तो कंपनी इस एक्स्ट्रा काम की वजह से आपको पर आवर मान लो 500 रुपीज दे रही है, मतलब 1,500 रुपये दिया 3 घंटे का। आया समझ में? यस सर तो ये 1,500 भी इस 20,000 में मिक्स किए जाएंगे और दोनों को भी टैक्स लगाया जाएगा। आया समझ में? आगे चलते। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स मतलब दो एम्प्लॉयर है यहाँ पे। दो एम्प्लॉयर का मतलब जानते हो? आप दो जगह पे काम करते हो, जैसे कि मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक मैं एक्स नाम की कंपनी में काम करता हूँ, और फिर बाद में 2 बजे के बाद 2 घंटे में घर चला जाता हूँ, और फिर बाद में 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक रात के मैं वाई कंपनी में काम करता हूँ, राइट। एक्स कंपनी मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी देती है, वेर एज वाई कंपनी मुझे 70,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देती है। तो मुझे बोलो क्या दोनों भी सैलरी में ऐड हो जाएगा? तो इसका आंसर है यस। आप चाहे कितने भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर लो, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप चाहे कितने भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर लो, चार चार पांच पांच लोगों के साथ भी काम कर लो, आपके कितने भी एम्प्लॉयर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका पूरा जो इनकम होगा 1,70,000 वो अंडर द हेड सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन
दोनों ही केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि एक्स कंपनी के लिए अगर मान लो आप एम्प्लॉय है और वाई कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर काम करते हो, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत डीप में चला जा रहा हूं। एक्स कंपनी में आप प्रॉपर जॉब करते हो, वहां पे आपकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, राइट। लेकिन वाई कंपनी में मान लीजिए आप वहां के एम्प्लॉयी नहीं है, आप वहां पे क्या करते हो, एज अ डायरेक्टर बोल के सिर्फ जाते हो, एक विजिट करते हो और चले आते हो। सिर्फ वो विजिट करने के लिए आपको वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो वाला जो पैसा होगा वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि सैलरी में इनकम टैक्सेबल होने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल होता है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देता हूं, ये वाला बंदा मिस्टर मान लो राज नाम का बंदा है, मिस्टर राज, वो एक्स नाम की कंपनी में जॉब करता है। मतलब मिस्टर राज और मिस्टर कंपनी एक्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया। और ये जो मिस्टर राज है वो हो सकता है वाई कंपनी में, है ना, कंसल्टेंसी देने के लिए जाता हो, या फिर वाई कंपनी में डायरेक्टर हो, लेकिन वो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है वहां पे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो वहां पे फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ वहां पे विजिट करने के लिए जाता है और उसके लिए उसे मान लीजिए 20,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन मिलता है, और यहाँ पे ऊपर 1,00,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो मुझे बोलो ये 1,00,000 कहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे और ये 20,000 कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन है ये। नहीं समझ में आया? देखो ये 1,00,000 जो है वो एज अ सैलरी में टैक्सेबल हो जाएंगे। किस हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे? सैलरी। और ये जो 20,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएंगे। आया समझ में? अब दूसरा कॉम्बिनेशन, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, है ना, दूसरा क्वेश्चन देख लो। पहली वाली सिचुएशन सेम है, मिस्टर राज नाम का बंदा है, एक्स कंपनी में जॉब करता है, उसको 1,00,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि ये जो मिस्टर एक्स है उनकी उसकी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें वो एक पार्टनर है, और वहां से उसको सैलरी मिलता है। हाँ, क्या मिलता है? पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिलती है। मुझे बोलो, मान लीजिए उसको सैलरी मिलती है वहां पे 30,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। अब मुझे बोलो ये 1,00,000 रुपीज कहाँ टैक्सेबल हो गए और ये 30,000 रुपीज कहाँ पे टैक्सेबल हो गए? दोनों ही सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा क्या? यस यस यस। नहीं बेटा, गलती कर बैठे तुम लोगों को 0 मार्क मिल जाएंगे। कितने मार्क मिल जाएंगे? 0 मार्क मिलेंगे, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था पार्टनरशिप से मिलने वाला जो भी इनकम है, यहाँ पे देखा था ना हमने। देखो ये हाइलाइटर करके दिखाता हूं मैं। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म शैल नॉट बी टैक्सेबल एज अ सैलरी। It is taxable under the head profits and gains from business or profession. So, आपको कितने मार्क्स मिल गए बेटा? बोलो अपने अपने हिसाब से मार्क्स दे दो, कितने मार्क मिल गए? कितने मिले मार्क्स? बोलो। जीरो अंडा मिल गया आपको, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा।
मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि ऐसे वाले कॉम्बिनेशन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। हो सकता है, अरे क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे लंबे लंबे प्रॉब्लम देने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना कंसेप्ट के ऊपर, तो मैं पहले दो चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन बना सकता हूँ, पहले वन और टू चैप्टर पे, और बंदों को फेल भी करवा सकता हूँ। इंस्टीट्यूट को मजाक में मत लो आप लोग, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ ना मैं, या फिर इंस्टीट्यूट बना सकता है ना, ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकाल सकता है कि आप सोचोगे भी नहीं। दिखने में तो लग ही रहा है कि एक्स कंपनी से सैलरी मिल रही है, वाई पार्टनरशिप फर्म से भी सैलरी मिल रही है ना, तो लग रहा है कि नाम सैलरी होने की वजह से सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता बेटा। मैंने पहले ही बोला ना, नाम इंपॉर्टेंट नहीं करता यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट करता है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए, रिसीव करने वाले में और देने वाले में, पेयर एंड पेई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना जरूरी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। यहां पे एक्स कंपनी के लिए इन दोनों के बीच में, बिटवीन द एक्स कंपनी एंड मिस्टर राज के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई ये 1,00,000 रुपए की जो इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी में ही टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन बेटा मिस्टर राज किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है, तो वो पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है ना कि एम्प्लॉई है, तो पार्टनर को जो मिलने वाली, इस पार्टनरशिप को जो मिलने वाली सैलरी है वो अंडर द हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। आया समझ में। टैक्स तो सिर्फ मिस्टर राज को ही देना पड़ रहा है, लेकिन हमें क्लासिफाई कैटेगरी उसकी बराबर करना है। आया समझ में? Yes, sir. आया शिवम समझ में? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी कहाँ आपने इनकम टैक्स पढ़ा है? आपने इनकम टैक्स आपने पढ़ा ही नहीं है। सर के बाल जाने चाहिए तब इनकम टैक्स समझ में आ जाता है ना। सर के बाल जाना बाकी है, अभी आपने तो शुरू किया है अभी, है ना। चलो ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन बोलता हूं मैं। मिस्टर राज वही है अपना, देखो दो कंपनी है, एक्स कंपनी वाई कंपनी, इस कंपनी में भी जॉब कर रहा है, इस कंपनी में भी जॉब कर रहा है, दोनों ही कंपनी में जॉब कर रहा है। यहाँ पे मिल रहा है 30,000 रुपीज सैलरी पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पे मिलता है 25,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। 9 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे 4 बजे से 9 बजे तक काम कर रहा है। अब बोलो ये दोनों जो इनकम होंगे वो कहाँ पे टैक्सेबल होंगे? सैलरी में। हाँ, यहाँ पे दोनों ही जगह पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होने की वजह से ये दोनों इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आया समझ में? यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सैलरी फ्रॉम, हाँ, मोर देन वन सोर्स, इफ एन इंडिविजुअल रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, सैलरी फ्रॉम ईच एम्प्लॉयर शैल बी अकुमुलेटेड। अकुमुलेटेड का मतलब होता है उसे इकट्ठा किया जाएगा। लिख लो, कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, तो अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है एकत्र करने, है ना, मराठी में उसे एकत्र करने बोलते हैं, या फिर उसे क्या बोलते हैं, हम इकट्ठा करेंगे सब लोगों का सैलरी को, मिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे सब सैलरी को, एंड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। यहाँ पे बोला है सैलरी फ्रॉम फॉर्मर प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज अ चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। लास्ट पॉइंट है ये, नहीं और है आगे, ये वाला पॉइंट भी है इंपॉर्टेंट। अब फिर से एक एग्जाम्पल दूंगा ये वाले पॉइंट के लिए। अब मान लो, है ना, अब देखो क्या है ये पॉइंट, मान लो मिस्टर राज ही है अपना, कौन है, मिस्टर राज है, वो
एक्स लिमिटेड के साथ भी काम करता था, एक्स लिमिटेड के साथ काम करता था, वाई लिमिटेड के साथ काम करता है अभी, और जेड लिमिटेड के साथ काम करने वाला है फ्यूचर में। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का, आज के क्लास का। एक्स लिमिटेड के साथ काम करता था मतलब ये उसका पास्ट वाला एम्प्लॉयर है, ये उसका प्रेजेंट वाला एम्प्लॉयर है, और ये उसका फ्यूचर वाला एम्प्लॉयर है। मतलब एक्स लिमिटेड के साथ काम करता था, वाई लिमिटेड के साथ अभी काम कर रहा है, और नया उसने इंटरव्यू दिया है, अब वो जेड लिमिटेड को ज्वाइन करने वाला है। अब सपोज मान लो किसी मंथ में है ना, यहां पे इसने जॉब यहां से छोड़ दी होगी, तभी जाके वो वाई लिमिटेड के साथ ज्वाइन हुआ होगा। मान लो एक्स लिमिटेड से किसी मंथ की सैलरी उसको रिसीव नहीं हुआ था, किसी मंथ का सैलरी उसे नहीं मिला था, है ना, जब उसने ये कंपनी छोड़ के वाई कंपनी ज्वाइन कर ली, और वाई कंपनी में जॉब शुरू करने के बाद इसका पूरा हिसाब एक्स लिमिटेड कंपनी का हो गया, और एक्स लिमिटेड कंपनी ने वो सैलरी उसको सपोज मान लो इस मंथ में दे दी जिस मंथ में उसने वाई लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया, है ना। मतलब कंपनी छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद मान लो उसको सैलरी मिल गई, जो अपनी पुरानी सैलरी है ना, जिसका हिसाब बाकी था वो जब वो काम कर रहा था वाई लिमिटेड में, तब मिल रही है उसको सैलरी में। मतलब उसको एक्स लिमिटेड ने सैलरी दे दिया 6 महीने के बाद 50,000 दे दिया मान लो उसका हिसाब किताब करके, और यहाँ पे भी सैलरी उसकी चालू है 60,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चालू ही है यहाँ पे। और अब ये क्या करने वाला है राज, ये कंपनी छोड़ के उसने एक नया इंटरव्यू दिया है, जेड लिमिटेड भी उसको बोल रही है कि मिस्टर राज तुम जल्दी आ जाओ हमारी कंपनी में, हम आपको Y लिमिटेड से ज्यादा अच्छी सैलरी हम आपको दे देंगे, ऑफर दिया उन्होंने, और हो सकता है उसको एडवांस में 1,00,000 रुपीज दे दिया। अब ये तीनों इनकम कहां पे टैक्सेबल होंगे, तो ये तीनों इनकम अंडर द हेड सैलरी में ही टैक्सेबल हो जाएंगे। आया समझ में? यस, ठीक है। तो ये आज के पॉइंट्स अब रिवाइज कर लो, आज हम यहीं पे रुक रहे, ठीक है, बाकी के पॉइंट्स हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का जो भी आया होगा समझ में आया होगा, इसको स्टडी कर लो, इसमें कोई दिक्कत आती है तो लिख लो, पॉइंट्स निकाल करके रख लो, और जो भी डाउट्स होंगे हम कल के सेशन में इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किसी को डाउट्स होंगे जो मेरा ये वीडियो देखने वाले, उनको भी यहाँ पे हम मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट।